हरदा जिले के त्रिपाठी नर्सिंग होम में लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व का मामला शांत नहीं हुआ था, फिर मंगलवार को इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रशासन ने अस्पताल को सील किया, तब जाकर मृतक के परिजनों ने हंगामा खत्म किया। जानकारी के मुताबिक पीपलिया खाल हरदा निवासी राजेंद्र पासी उम्र 23 वर्ष पेट दर्द होने पर इलाज कराने त्रिपाठी नर्सिंग होम गया था। इलाज के दौरान युवक की मौत होने पर मृतक के परिजन आक्रोशित हो उठे। आपको बता दें कि 15 दिन में त्रिपाठी नर्सिंग होम की लापरवाही की दूसरी घटना सामने आई है। बीते दिनों 27 दिसंबर को हरदा गौर कॉलोनी निवासी प्रवीण पवार की भी त्रिपाठी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उनकी भी डॉक्टर राहुल त्रिपाठी के इलाज के लापरवाही के चलते मौत हुई और इसको लेकर परिजनों ने अनुसूचित जाति जनजाति युवा संघ के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को डॉक्टर राहुल त्रिपाठी पर हत्या का मामला दर्ज करने और त्रिपाठी नर्सिंग होम को बंद करने की मांग की गई। इसके बावजूद भी नर्सिंग होम संचालित था तो वहीं परिजन शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने की मांग पर अड़े रहे। परिजन द्वारा जमकर हंगामा किया गया। इधर पुलिस ने कार्यवाही का आश्वासन के बाद परिजन माने, हालांकि बाद में अनुविभागीय अधिकारी अग्रवाल और सिटी थाना हरदा की टीम ने मौके पर पहुंचकर त्रिपाठी नर्सिंग होम को सील कर दिया। पुलिस TI के माध्यम से सूचना मिली थी कि यहाँ पे आज एक व्यक्ति की डेथ हुई और एक तारीख को एक और डेथ हुई थी, जिस कारण से पब्लिक एजिटेशन है। पुलिस ने कायम किया था और हमें उचित कार्रवाई हेतु यहाँ पे लिखा था। CMHO साहब ने जांच करी थी, उसमें इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड लाइसेंस रिन्यूअल वगैरह में प्रॉब्लम्स मिली हैं और उसको देखते हुए CMHO साहब यहाँ पे हैं, हम हैं, हमारी टीम है, पुलिस की टीम है, उन लोगों ने इसमें सील करने की कार्रवाई करी। कितने महीनों से रिन्यूअल नहीं करवाया था? जो अभी जानकारी मुझे मिली है उसके अनुसार मार्च 2021 के बाद से ये रिन्यूअल के लिए पेंडिंग है अभी तक। पूर्व में CMHO ऑफिस से इनको आवेदन दिया था, नोटिस दिया था, उसके बाद भी पूर्व में CMHO ऑफिस से दिया था तो उसकी जानकारी वही दे पाएंगे। हाँ सर बताइए, आज त्रिपाठी हॉस्पिटल सील किया गया किन कारणों के चलते? जो भी चला रहे थे नर्सिंग होम, उनके पास परमिशन नर्सिंग होम चलाने की नहीं थी। अभी शटअप मैंने पहली बार देखा है कि नर्सिंग होम चल रहा है बिना जानकारी के, है उनके पास कोई लाइसेंस नहीं इस बात का और चला रहे। सर पहले भी जांच की थी CMHO साहब ने जी, तो इसे इसमें कुछ चीज़ें कमी पाई गई थी जी, तो तब भी बंद करने का था लेकिन अब तक की नहीं, तो उसमें आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? इसमें उसके लिए प्रोसीडिंग चालू थी, एक दो दिन में बंद होना था, तब तो ये सिंगल इंसिडेंट हो गया। नियम के विरुद्ध उन्होंने फिर भी काम किया तो उसके उसके लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे? उनके विरुद्ध अभी जांच होगी, मालूम पड़ता है कि इसमें क्या क्या नियम रद्द हुआ है, अगर ऐसा कंफर्म निकलता है तो FIR भी होगा। जैसे परिवार वालों का आरोप है जो डेट हुई है डॉक्टर की लापरवाही से, तो क्या निश्चित नहीं सर ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर की लापरवाही से डेट हो सकता है? हो सकता है। हरदा से कपिल घाटी की रिपोर्ट।